शादी वाले दिन तो कोई तोहफा दिया होगा मेरे मेरे दूल्हा भाई ने। अल्लाह 50 साल पुरानी बात पूछते हैं आपके ओहो से मुझे लगा उन्होंने कोई उधार ना ले लिया हो आपसे। उमर शरीफ जर्मनी के अस्पताल में बिल आखिर जिंदगी की जंग हार गए हैं। उन्हें सर्जरी के लिए जर्मनी से अमेरिका ले जाने की तैयारियां की जा रही थी, लेकिन इस दौरान उनकी रूह कफसे असरी से परवास कर गई। जर्मनी में वफात पाने वाले उमर शरीफ के जनाजे और तदफीन के बारे में पाकिस्तानी मद्दाह जानना चाहते हैं कि उमर शरीफ की मैयत कब पाकिस्तान लाई जाएगी, नमाज जनाजा कब होगा और उन्हें कहाँ दफन किया जाएगा। ये सब कुछ हम बताएंगे आज की इस वीडियो में। मैंने अपने बाप को बचाने की कसम खाई है। डाकू ने गोली चला, मोहम्मद अली भाई बैठ गए, अब्बा को गोली लग गई। अब अब्बा से पूछ रहे ये तुमने क्या किया बाबा। अरे भाई बाबा ने क्या किया, सब तो तुमने किया। बाबा तुम्हारे आसरे पे खड़े थे, तुम बैठ गए, बाबा लेट गए। उमर शरीफ जो चंद दिन कबल कराची से एयर एम्बुलेंस में इलाज के लिए अमेरिका रवाना हुए थे, इस मौके पर उन्हें भरपूर दुआओं से रुखसत किया गया था। इसके अलावा बड़ी तादाद में उम्मीदें भी उनके साथ वाबस्ता थीं, जो बिलाशुबा उमर शरीफ के मद्दाहों की उनसे मोहब्बत और अकीदत पर मबनी थी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में उनके चाहने वाले जो उनकी खैरियत की खबर सुनने के लिए बेताब थे और उनकी सेहतमंद तरीके से वतन वापसी के मुंतजर थे, उनकी उम्मीदें उस वक्त दम तोड़ दी जब पाकिस्तान के न्यूज चैनल पर दिल दहलाने वाली खबर चलना हो गई कि उमर शरीफ जर्मनी के अस्पताल में जिंदगी की बाजी हार गए हैं। उमर शरीफ के इंतकाल की खबर पाकिस्तान के साथ साथ जंगल में आग की तरह पूरी दुनिया में फैल गई, जिसने देखते ही देखते उनके मद्दाहों का इज़्तिराब बढ़ा दिया। पहले पहल तो उनके मुतालिक आने वाली खबर को मनगढ़ंत और झूठा समझा गया, क्योंकि उनकी वफात की पहले भी खबर वायरल हो चुकी थी, लेकिन अब की बार ये खबर झूठी नहीं थी। उमर शरीफ दाई अजल को लब्बाइक कह गए और यूं उमर शरीफ अपने मद्दाहों को रोता हुआ और अपने खानदान को सोगवार छोड़कर उस जहां के बासी बन गए जहां जाने वाला कभी वापस नहीं आता। मुझे बहुत अच्छा लगता है खवातीन का जिक्र करना। जिक्र करने के लिए हमारे पास और है क्या? इश्क करो तो इन्हीं से करो, तारीफ करो तो इनकी लिखो, पेंटिंग बनाओ तो इनकी बनाओ, घर बनाओ तो इनके लिए बनाओ। मर्द बेचारा एटीएम कार्ड है। उमर शरीफ की वफात के बाद उनकी अहलिया और बेटे मुसलसल पाकिस्तान के साथ राबिते में हैं। उनकी जानिब से तमाम तर तफसीलात शेयर की जा रही हैं और पल पल की खबर दी जा रही है। उमर शरीफ का जसद खाकी जो इस वक्त जर्मनी के अस्पताल में है, उसके बारे में अब तक की इब्तदाई मालूमात ये हैं कि जिस एयर एम्बुलेंस ने उमर शरीफ को अमरीका लेकर जाना था, वही एम्बुलेंस अब उमर शरीफ का जसद खाकी लेकर वतन वापस पहुँचेगी। कहा यह जा रहा है की उमर शरीफ का जनाजा दो दिन बाद कराची में अदा किया जाएगा, जिसमे हजारों की तादाद में आम अफराद के साथ साथ सियासी समाजी फनकार बिरादरी हुकूमती शख्सियात और बड़े बड़े इदारों के नुमाइंदे और सरबराहान शिरकत करेंगे। तहम नमाज जनाजा के मकाम और वक्त का फिलहाल ऐलान नहीं किया गया। उमर शरीफ की जानिब से आखिरी ख्वाहिश जाहिर की गई थी कि उन्हें पाकिस्तान के मारूफ सूफी बुजुर्ग अब्दुल्ला शाह गाजी के मजार के अहाते में दफन किया जाए, क्योंकि उनके साथ उमर शरीफ की मजहबी और रूहानी अकीदत थी। हालांकि कॉमेडियंस आम तौर पर मजहब की जानिब इतना मिलान नहीं रखते और ना ही वो इस तरह की ख्वाहिश रखते हैं, लेकिन उमर शरीफ की ख्वाहिश उनके दिल का हाल बताने के लिए काफी है कि वो अंदर से किस कदर मजहबी और हसास तबीयत के थे। उन पर तसव्वुफ और बुजुर्गी का रंग इस कदर चढ़ गया था, जिसके बायस उन्होंने जिंदगी के आखिरी लम्हों में इतनी अहम ख्वाहिश की, जिस पर उनकी अहलिया और बच्चों ने हुकूमत सिंध से अपील की है कि उमर शरीफ की आखिरी ख्वाहिश को पूरा करते हुए उन्हें अब्दुल्ला शाह गाजी के मजार में जगह दी जाए। इस मामले पर हुकूमत सिंध को चाहिए कि वो जल्द अज जल्द इकदाम करें, ताकि जब उनकी मैयत को कराची ले जाया जाए तो मसला दरपेश न हो। हमसे टक्कर लेने चले हैं शाहरुख खान। अरे चांद रहूंगा, रहो जानते, हम तो पहले से रहना चांद पे भाई। ये सारी अलामतें चांद की हैं जो हमारे अंदर मौजूद है। कोई तो आएगा जो हमें सारी चीजें देगा। उमर शरीफ की वफात की खबर आने के बाद मुल्की फजा पूरी तरह सोग में डूबी हुई है। हर जानिब से उनके लिए दुआया पैगामात आ रहे हैं, जिससे बखूबी अंदाजा होता है कि उमर शरीफ हर शोबा है फिक्र से ताल्लुक रखने वाले अफराद के दिल में बसते थे। वो हर एक के पसंदीदा कॉमेडियन थे, हर कोई उनके बर्जस्ता जुमलों पर खिलखिलाकर हंसता था, कहकहे बुलंद करता था। मोटी है तो क्या हुआ, क्या मोटी औरतों को घर से निकाल दोगे आप लोग? अरे उन्हें मोटा कौन करता है, हम लोग खाओ पियो ऐश करो, क्या चाहिए तुम्हें? क्यों उठ उठ के जाती हो, नौकर रखो, मेरी मरने के बाद चली जाना, मेरी जिंदगी में मत जाना। ये हमारा इश्क होता है बीवियों और हम उसका साइज ये। उमर शरीफ कॉमेडी के आखिरी चश्मो चराग थे, जिसके बुझ जाने से कॉमेडी का मुस्तकबिल तारीख हो गया है। इनसे पहले अमानुल्लाह, मोइन अख्तर, मस्ताना, बब्बू बराल, सिकंदर सनम, लियाकत सोल्जर जैसे नाम दुनिया से पर्दा फरमा गए थे, जिसके बाद उमर शरीफ ही इस मैदान के आखिरी सिपाही बचे थे, जिन्होंने कॉमेडी के शोबे को वीरानी और तबाही से बचाने के लिए अपना भरपूर किरदार अदा किया। उन्होंने बैक्त वक्त बहुत से मीडियम्स पर अपने फन के जलवे बखेरे, अदाकारी के साथ साथ मेजबानी में भी अपनी शानदार कॉमेडी का ऐसा तड़का लगाया जिसने हंसी से लौट
पॉट कर दिया। उमर शरीफ ने अपनी शानदार कॉमेडी से न सिर्फ पाकिस्तानियों के दिलों में अपनी जगह बनाई बल्कि भारत में भी अपने फन के बलबूते पर नाम कमाने में कामयाब रहे। उमर शरीफ भारत में किस कदर मकबूल हैं और उनके फन के दिलदादा अफराद में आम लोगों के साथ साथ सुपरस्टार्स भी मौजूद हैं, इस बात का अंदाजा यहाँ से लगाया जा सकता है कि उमर शरीफ ने अपने एक इंटरव्यू में खुलकर बताया कि उन्होंने भारत में जॉनी लिवर, गोविंदा और अक्षय कुमार को धागा बांधकर अपना शागिर्द बनाया था। मतलब वो लोग उमर शरीफ को अपने उस्ताद की जगह पर मानते थे। यही वजह है कि उन्होंने उमर शरीफ को भारत में इस कदर इज्जत और एहतराम से नवाजा। जिस शो में अमानुल्लाह और बब्बू बराल जैसी कदावर शख्सियत ने परफॉर्म किया उस शो में उमर शरीफ बतौर जज शामिल थे। मैडम नूरजहां को गाती है, मैडम नूरजहां के सामने मैंने उनको गाना सुना दिया एक दिन और मुझको देखे ना। कैसे सुनाया? कैसे सुनाया? देखे कब सुनाया? कुछ हम भी तो सुने। मैंने सोचा कि अच्छा मलूजे खातिर रखे कि मैं भी यहीं बैठा हुआ हूँ। उमर शरीफ ने इंडस्ट्री में तारीख साज उरूज देखा और बतौर अदाकार, कॉमेडियन और मेजबान अपने फन की धाक बिठाने में कामयाब रहे। उन्होंने पाकिस्तान में कॉमेडी की नई राहें मुतारिफ करवाई जिन पर चलकर नित नए कॉमेडियंस की खेप पैदा हुई और उन्होंने आगे आकर फन कॉमेडी में अपना नाम बनाया। फिल्म इंडस्ट्री में शहनशाह ज़राफ़त के नाम से पहचान बनाने वाले मुनव्वर ज़रीफ़ को उमर शरीफ अपना रूहानी उस्ताद मानते थे। यहाँ तक कि उन्होंने अपने करियर का आगाज भी उमर ज़रीफ़ के नाम से किया था लेकिन बहुत जल्द उन्होंने अपना नाम तब्दील करके उमर शरीफ रख लिया और फिर इसी नाम से उन्हें कॉमेडी की दुनिया में बादशाह का खिताब मिला। उमर शरीफ तो इस दुनिया से रुखसत हो गए लेकिन उनकी बातें, उनका काम हमेशा याद रखा जाएगा। पाकिस्तान फिल्म और शोबिज इंडस्ट्री में जब भी कॉमेडी के हवाले से बात होगी तो उमर शरीफ की बात किए बगैर उसका जिक्र ना मुकम्मल रहेगा। उमर शरीफ की पाकिस्तान से मोहब्बत और उसके लिए दी जाने वाली खिदमात को सहरे क़यामत तक याद रखा जाएगा। अल्लाह ताला उमर शरीफ के दर्जात बुलंद करे और उन्हें उनकी नेकियों और अच्छाइयों का अजर अजीम अता फरमाए। आमीन। खान ने कहा कि वो चांद पे घर बनाएंगे। अब सोच रहे हैं चांद पे घर बनाएंगे। अरे पाकिस्तान कौम को देखो, तुमसे पहले चांद पे जा चुकी है, चांद पे रह रही है। मैं हुकूमत को सल्यूट पेश करता हूँ कि ना पानी है, ना बिजली है, ना आटा है।